हेलो। हाँ हेलो, जय भीम। जय भीम जी। कौन सा गाली दे रहा था वो कौन नंबर पे? अरे कौन गाली दे रहा था? फेसबुक में है। नहीं, गाली तो किसी ने नहीं दिया। अरे इसमें फेसबुक में मान लीजिए वो बात करता बौद्ध के विषय में, हाँ तो कुछ गर्मा गर्मी हुई होगी। उसका नंबर दीजिए। नहीं, नंबर लेके करेंगे आप? उसका नंबर लेके इतना गलत सलत बोल रहा है, ठीक नहीं है ना? अरे भाई साहब, जो आदमी के पास जो होगा वही तो देगा ना। लेकिन बताइए, ये नंबर आपका उस पे लिख रहा था, मैं इसके लिए डायल किया। नहीं, अच्छा किया आपने डायल किया, साधु बात नहीं आपका। नहीं किसी के बात विषय में गलत नहीं बोलना चाहिए, कि नहीं? बिल्कुल। वो बताइए, चढ़ चढ़ कर ऊपर बोल रहा है ऐसा वैसा गलत। कोई बात नहीं, जो उनको सिखाया गया है, जो उनके दिमाग में है वही तो बताएंगे ना। वो इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए हमारे को। नहीं, वो जैसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लेकिन गलत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना है कि नहीं? गलत को कभी सहन नहीं करना चाहिए, और गलत को सहन ना करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो हैं उनका जवाब उनकी ही भाषा में दें, वो गलत हो जाता है। अगर उनका जवाब जो है उनकी भाषा का जवाब उनकी भाषा में देंगे तो हम भी गलत हो जाएंगे, वो तो गलत हैं ही हैं। हाँ, लेकिन हमारा उद्देश्य है उनको सही करना। कहाँ से मिलता है इन लोगों का? इनकी क्लास चलती है आरएसएस में। आरएसएस की, अब क्या बोले, आरएसएस के नंबर मिलता तो उसको भी बात करता मैं तो ऐसे ही। आरएसएस को एक आदमी थोड़ना है, आरएसएस में तो लाखों लोग हैं, और लाखों लोग जो हैं दिन रात लोगों के दिमाग में ये जहर भर रहे हैं। जहर भरे तो हम भी भर देंगे ना थोड़ा सा, है कि नहीं? नहीं, वो आपको जो काम करना चाहिए ना वो काम जो है आप करिए, यानी हम कि इसके जो लिए देखिए सर, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, लेकिन दिन पे दिन आया हुआ ऐसा देखते हैं कि हर तरह हर हिसाब से ही उल्टा सीधा गलत बात। अब मैंने कहा ना कि जिसके पास जो होगा वो ही देगा। तो जिस जो ये अपने आप को कहते हैं हम हिंदू हैं, तो अब हिंदू लोगों के पास अगर ये है तो वो यही दे रहे हैं। हमारे पास तो ये नहीं है ना, हमारे नहीं। पास तो जो है बुद्ध का धम्म है, और वो दिखाता है शांति, अहिंसा, सभ्यता, शालीनता, सहनशीलता। वो तो तो सबका एक सामान्य है। हाँ, तो अगर हम लोग जो हैं अगर अपने धर्म का प्रचार करना है हमें, तो हमें शांति, धैर्य, सहनशीलता से ही बात करनी पड़ेगी ना। लेकिन सर कितना दिन सहन करेंगे? यही तो हुआ था भीमा कोरेगांव में। देखिए, भीमा कोरेगांव की बात जो थी, वो जो घटना थी, उस समय जो उस वक्त की जो जरूरत थी वो डिफेंसिव मोड था, समझ रहे हैं। जब हमारा काम जो है अहिंसा से नहीं चलता, और हम अहिंसा की बात कर रहे हैं लेकिन सामने वाला अहिंसा की भाषा को समझ ही नहीं रहा है और वो हिंसात्मक हो गया है, तो उससे बचने के लिए हमें हिंसा का प्रयोग करना है, ना कि उसको उसके ऊपर अटैक करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? हाँ समझ गया। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो महान पुरुषों का जो संदेश है, उसमें कभी भी अटैक नहीं है, उसमें प्रतिरक्षण है। दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में है ना। तो हमें सामने वाले को भी यही समझाना है, क्योंकि सामने वाला जब हमारी भाषा समझ जाएगा तो वो हमारी ही भाषा में बात करेगा। नहीं समझा तो नहीं समझा तो फिर वो अपनी भाषा में बात करेगा, और जब उसकी भाषा जो है हिंसा की तरफ बढ़ेगी, तो हम जो है उसका प्रतिरोध करने के लिए, उतनी हिंसा का प्रयोग करने के लिए हमारे पास वो न्यायिक ताकत रहेगी। लेकिन हम जो है अपना हमारे अंदर खुद के अंदर अगर सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है, सत्य नहीं है, न्याय नहीं है, और हम दूसरे को उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं, तो हम भी उसी कटहरे में शामिल हो गए, फिर वो गलत हो जाएंगे। गलत हो जाएगा वो। यही तो हमारे साथ गलत हो रहा है ना अभी तक, कि सामने वाला हमें उकसाता है, हमें गाली देता है, तो हम भी उसको गाली देने लगते हैं। अब दो आदमी देख रहे हैं, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको गाली दी, अब दो आदमी फैसला करने के लिए खड़े हुए हैं। अब बताओ किसको सही बोलेंगे, किसको गलत बोलेंगे।
लेकिन सामने वाले ने मुझे गाली दी और मैंने उसको गाली नहीं दी, मैंने उसे प्यार से बोला, और दो आदमी खड़े होकर देख रहे हैं तो वो तुरंत से न्याय करेंगे, भाई तू बहुत गलत है, कहेंगे ना ऐसा जो है। सही बात है। बस तो फिर यही है हमारे महान पुरुषों का संदेश, इसी को हमें समझना है। लेकिन मैं अगर वही बोला, बताइए, बार बार देखता हूँ ऐसा उल्टा सीधा हर हाँ, आदमी। वो भाई साहब मैं तो रोज के इतने फोन ट्रेंड करता हूँ, और मतलब मैं भी परेशान हो जाता हूँ देखते देखते। हाँ लोग जो हैं, मतलब मैं उनको समझा रहा हूँ, उनको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंत तक यही हार नहीं मानता अपनी, कभी भी जो सभ्यता नहीं छोड़ता मैं, मेरे मुंह से कभी भी जो है आप अश्लील शब्द नहीं सुनेंगे। अश्लील काहे के लिए बोले जाएंगे, सबका हाँ परिवार है, हर आदमी है। हाँ बिल्कुल, यही यही चीज उनको समझानी है कि जो आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आपके लिए ही सही नहीं है, तो मेरे लिए कहाँ सही हो जाएगी, है ना। क्या नाम आपका? हमारा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी रात आपने फोन किया, इतना आपने परिश्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक, मैंने आया काम करके, मैं देखा फेसबुक को चालू हाँ किया, हाँ मान नहीं लीजिए है। मैं भी देखता हूँ। जी, बहुत परेशान बहुत परेशान, ये सब देख देख के इतना हो गया ना, बहुत। मत जैसे होइए, परेशान बिल्कुल मत होइए, परेशान होने से कोई समस्या हल नहीं होगी, समाधान अत्याचार समाधान खोजिए। हाँ अत्याचार रोज होता हाँ है कि नहीं, हर घंटे पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अत्याचार को रोकने के लिए हमें जो है शांति का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, लोगों को सुधारना पड़ेगा, वो है तो ना। सही बात है। चलिए हाँ चलो ठीक है, सोनू कुमार जी आप काम से आए हैं, थके आ रहे हैं, आराम कीजिए। ठीक, ठीक सर, ओके, जय भीम, नमस्कार। नमोदय। नमस्कार।